वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम एक वर्ड प्रॉब्लम और करने वाले हैं। ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस आप जानते होंगे बेटा। जो हमारी टेम्परेचर होते हैं उसको मेजर करने की दो यूनिट्स हो सकती हैं, या तो सेल्सियस या फ़ारेनहाइट। ठीक है, हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। हमारे सामने एक इक्वेशन है, जैसे आप ये देखते हैं ना, वाई इज इक्वल टू 3 + 2x। ठीक है, कुछ इस तरह की इक्वेशन है। देखो इधर वाई और एक्स यूज हुए थे, इधर एफ और सी यूज किया है इन्होंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर आप लेफ्ट में देखिए, वेरिएबल अकेला है ना, यानी एफ अकेला है, जैसे यहां पे वाई अकेला है, तो ये इक्वेशन बहुत परफेक्ट होती है कोई भी सॉल्यूशंस निकालने के लिए, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। यहां पे देखो एफ अकेला दिया है। अब यहां पर जो वैल्यू है, यहां पर देखो सी है और पूरी इसकी टीम है, जैसे यहां पर एक्स है और यहां पर एक्स की पूरी टीम है। अब इन्होंने पहला क्वेश्चन क्या बोला कि भाई इसमें से जैसे आप इसका ग्राफ बनाते हो वैसे इसका भी ग्राफ बनाओ। क्या करोगे आप, x की वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन निकालते हो ना, इसमें भी सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। तो हम इधर c की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, तो हम सॉल्यूशन निकालते हैं। c इज इक्वल टू, मान लो अब इधर वैल्यू कैसे रखनी है पहले एक बार नजर मार लिया करो क्वेश्चन पे। अब मान लो मैं यहां पे वैल्यू रख दूं 1, ठीक है, तो अब मैं जब 9 × 1 9 और 5 से डिवाइड करूंगा, पॉइंट का आंसर आएगा। अननेसेसरी हम अपनी कैलकुलेशन को डिफिकल्ट करने वाले हैं। लेकिन हम अगर यहां पे c की जगह पे 0 रखें, 5 रखें, 5 से 5 कैंसिल होगा क्योंकि 32 तो बाद की बात है, पहले तो ये सॉल्व होगा। 5 × 5 कैंसिल हो जाएगा, 9 × 9। तो थोड़ा एनालिसिस आपको वैल्यू रखने से पहले जरूर करना चाहिए। अब c मैं रख रहा हूं सपोज 0, देखो कैलकुलेशन इसमें रखूंगा, f का f लगाऊंगा, इक्वल भी लगाऊंगा 9/5, और बस c की जगह मैंने रख दिया 0 और ब्रैकेट में वैल्यू रखा करो और प्लस 32। अब तो 0 से ये फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, ये तो 0 ही हो जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा इज इक्वल टू 32। यानी हमारा ये सॉल्यूशन आ गया 0 और 32, क्लियर। और दूसरा सॉल्यूशन निकालते हैं c। अब मैं 1 नहीं रखूंगा, मैं यहां सपोज 5 रख देता हूं, क्लियर, 5 रखते हैं। 5 का फायदा क्या हो रहा है, 1 क्यों नहीं रखा, ये देखो 9/5, c की जगह रखा 5, क्लियर, प्लस 32। इधर देखते हुए यहां पे इक्वेशन में वैल्यू रखी जाती है। अब देखो 5 × 5 5 × 5 कैंसिल हो जाता है ना, और अगर यहां 1 होता तो क्या हो जाता कैंसिल, तो 9 × 9, ठीक है, 9 + 32, 32 + 9 कितना हो गया 41, तो आपको ये सॉल्यूशन मिल गया, क्लियर। अब वो ग्राफ बनाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन आप बोलोगे सर ग्राफ में तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होती है, तो उन्होंने हिंट दे दिया कि सेल्सियस को आप एक्स एक्सिस मानो और फ़ारेनहाइट को आप वाई एक्सिस मानो, ठीक है। तो यहां पे लिख लो सी फॉर सेल्सियस, इसको मैं एक्स ट्रीट किया करूंगा, और फ़ारेनहाइट इसको मैं वाई एक्सिस लूंगा, क्लियर। अब कोऑर्डिनेट रेडी करो, सी एक्स है ना और फ़ारेनहाइट की वैल्यू वाई है, तो इस वाली लाइन से कोऑर्डिनेट रेडी होंगे, यानी एक्स का 0, एक्स मीन्स सी का 0, ठीक है, और वाई का, या वाई मीन्स एफ का 32। ये आपको कोऑर्डिनेट मिल गया जो आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है। इसी तरह से c इक्वल टू 5 यानी x इक्वल टू 5 और f इक्वल टू 41 यानी y इक्वल टू 41 कोऑर्डिनेट मिल गए। एक कोऑर्डिनेट आपको और निकालना चाहिए, 3 कोऑर्डिनेट से लाइन प्लॉट करनी चाहिए। ऐसा क्यों है, डिस्क्रिप्शन में बेटा हाउ टू ड्रॉ ग्राफ की एक बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को देख लो और आपको यह भी पता चल जाया करेगा कि मेरा क्वेश्चन ठीक हो रहा है, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही, अगर आप वो वीडियो को ध्यान से देख लेंगे। अब नाउ यू प्लॉट दीज टू ग्राफ्स कोऑर्डिनेट्स ऑन द ग्राफ, यू विल गेट द ग्राफ ऑफ दिस लाइन। अब आप देखिए नेक्स्ट आ जाते हैं, इन्होंने बोला इफ द टेम्परेचर इज 30 °C, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड पार्ट, वो क्या बोल रहे हैं, 30 °C टेम्परेचर है, जब भी आप जो भी सी लगा हुआ है ना, सी इसका मतलब ये सी की वैल्यू है 30। टेम्परेचर क्या दे रहे हैं, पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं टेम्परेचर 30 °C है, यानी सी की वैल्यू वो 30 दे रहे हैं, क्लियर। और वो बोल रहे हैं व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट मतलब एफ की वैल्यू वो पूछ रहे हैं। इधर भी तो यही किया हमने, देखो एक्स की वैल्यू 0 डाल के एफ की निकाली है ना, सी की वैल्यू डाल के एफ निकाल रहे थे ना, तो इसमें इन्होंने कौन सा नया पूछ लिया, लाओ हम 30 रख देते हैं इसके अंदर, क्या प्रॉब्लम है, रखें f का f, 9/5 का 9/5, c की जगह वो बोल रहे 30 रख दो, रख दिया जी, प्लस 32, क्लियर। अब ध्यान दो 5 × 5 5 6 = 30 9 6 = 54
प्लस 32, क्या आंसर आया हमारा 86। क्लियर है बेटा? तो फर्स्ट का आंसर हो गया 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, दिस इज द आंसर। क्लियर? यानी सेल्सियस में जो टेम्परेचर 30 डिग्री होता है वही टेम्परेचर को हम फ़ारेनहाइट में कहेंगे, तो वो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। क्लियर? थर्ड पार्ट में आ जाते हैं, आइए थर्ड। इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री एफ फ़ारेनहाइट, यानी एफ की वैल्यू आपको दे दी, अब थोड़ा ध्यान देना है आपको, ठीक है? और क्या निकालने को बोल रहे हैं, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस, यानी सी पूछा है, तब भी कुछ नहीं करना है, इधर ही जाना पड़ेगा, यही वैल्यू देंगे। कैसे देंगे? इसके अंदर रखो वैल्यू एफ, एफ की जगह 95 रख दो, इक्वल लगाओ, 9/5 लगाओ, सी है तो सी लगाओ क्योंकि सी उन्होंने दिया ही नहीं, प्लस है तो प्लस लगाओ, 32 है तो 32 लगाओ। क्लियर है? अब पहले प्लस का 32 यहां जाके माइनस का कर दें क्योंकि सी को अकेला छोड़ देना है, सी की वैल्यू का मतलब राइट साइड में सी वाली टर्म अकेली रह जाए, 95 प्लस का 32 माइनस का 32 हो जाएगा इज इक्वल टू 9/5 सी। अभी पहले माइनस कर दें, क्या इक्वेशन बनेगी रेडी करते हैं इसको, 5-2 3, 9-3 6, 63 इज इक्वल टू 9/5 सी, ये इक्वेशन रेडी हो गई। अभी भी 9/5 इधर लेकर आना पड़ेगा, सी को जब तक अकेला नहीं छोड़ेंगे सी की वैल्यू नहीं मिलेगी, तो कैसे मिलेगी, 63 और सी के साथ मल्टीप्लाई में फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को यहां लाके 9/5 की जगह 5/9 कर देंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बच्चे मिस्टेक करते हैं यहां पे, इक्वल टू सी, सी की वैल्यू बच गई। अब बस इसको सोल्व करो, 35, तो सी की वैल्यू क्या आ गई, 35 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? ठीक है बेटा, तो यानी जिसको हम 95 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं वही वैल्यू सेल्सियस में 35 डिग्री मानी जाती है। आओ बेटा फोर्थ पार्ट इसका करें, फोर्थ पार्ट में उन्होंने बोला इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, सी की वैल्यू फिर दे दी इन्होंने, सी 0 दे दिया, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर बताना है। अरे भाई सी 0 पे तो मैंने निकाल के ही दिखाया हुआ है, फ़ारेनहाइट 32 आ रहा है ना, तो ये आप अपने आप करेंगे। क्लियर है? अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसी लाइन में, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, अब यानी फ़ारेनहाइट को 0 रखो, दो क्वेश्चन है इसमें, फ़ारेनहाइट तो क्या पूछ रहे हैं, टेम्परेचर इन सेल्सियस, तो सी की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं, रखे चलो इधर ही तो रखना पड़ेगा, एफ है तो 0, इक्वल है तो इक्वल, 9/5 है तो 9/5, सी है तो सी लगा रहने दो, प्लस को प्लस लगा रहने दो, 32 को कोई चेंज मत करो, बस एफ की जगह क्या रखो, 0। अब प्लस का 32 वहां चला जाएगा, ठीक है बेटा, दिस इंप्लाइज स्पेस नहीं है इसलिए बेटा यहां सोल्व कर रहा हूं, प्लस का 32 इस वाली साइड में आएगा, -32 और इक्वल टू 9/5 सी। अब फिर वही बात, सी के साथ बिल्कुल मल्टीप्लाई, सी अकेला नहीं बचा, जब तक वहां पे सी अकेला नहीं छोड़ेंगे वैल्यू नहीं आएगी, 9/5 को यहां ले आएंगे, -32 × 5/9 हो जाएगा इज इक्वल टू सी। क्लियर है? अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड करो, आपकी इसकी सेल्सियस में वैल्यू निकल आएगी, फ़ारेनहाइट की सेल्सियस में वैल्यू। क्लियर है? बस लास्ट पॉइंट इसका रह गया, आओ बेटा इसको भी डिस्कस कर ले। हाँ बेटा, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा, अगर कनेक्ट रहना चाहते हो, स्टडी करना चाहते हो, तो मेरी सजेशन है आपसे, सब्सक्राइब द चैनल, और बेटा लिंक ये जो वीडियो है इसको शेयर भी किया करो और लाइक कमेंट तो कर ही दिया करो। अब देखो बेटा, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्होंने बोल रहा है कि न्यूमेरिकली द सेम, सेम मतलब इक्वल, ठीक है, बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, वो कह रहे हैं सेम ले लो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को, कोई ऐसा टेम्परेचर निकल कर आएगा, यानी फ़ारेनहाइट में भी हम उतना ही बोले, सेल्सियस में भी हम उतना ही बोले, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एफ की वैल्यू और सी की वैल्यू को इक्वल रखना पड़ेगा, क्योंकि सेम बोलना है ना हमारे को, ठीक है। क्लियर? आओ इसमें एफ और सी सेम रख देते हैं, कैसे रखेंगे, एफ को हटाओ सी रख दो उसकी जगह पे, ये लो, चाहे सी को हटा के एफ रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
एफ को हटा के मैंने एफ की वैल्यू सी रख दी। अब आप देखिए दोनों तरफ वेरिएबल हो गया है प्लस 32, क्लियर। अब सी वाले एक तरफ कर लो, इधर ले आए सी माइनस 9/5 सी इज इक्वल टू 32, क्लियर। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये 1c है, ये 9/5 c है, तो नीचे 1 लगा के पहले हम एलसीएम लेंगे, क्लियर, क्योंकि फ्रैक्शंस की माइनस हो रही है ना, माइनस ऑफ फ्रैक्शंस, 1 और 5 का एलसीएम 5, 1 का टेबल 5 पे 5 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 5c माइनस 5 1 द 5, 1 को 9 से करेंगे 9c इज इक्वल टू 32, क्लियर। अब 5 - 9 - 4 प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का, बच्चे गलतियां करते हैं यहां पे भी अभी, इज इक्वल टू नीचे के F5 इज इक्वल टू 32। अब ये देखो C के साथ माइनस 4 और 5 पूरे को वहां लेके चले जाना है, यहां सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 को पहले 32 से कर लो, चलो माइनस 4C इज इक्वल टू 32 इंटू 5 और फिर लास्ट में ये जो 4 है इसको भी नीचे ले जाओ, 32 इंटू 5 और नीचे क्या आया माइनस 4, साइन चेंज नहीं होगा, नीचे जाता होगा, पता होगा आपको, 4 1 द 4, 4 8 द 32, 8 5 द 40, ठीक है माइनस, क्लियर। यानी माइनस 40 ऐसा टेम्परेचर है जिसको मैं माइनस 40 डिग्री सेल्सियस भी कहूंगा, और अगर कन्वर्ट करूंगा एफ में तो वो माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट भी निकल कर आएगा, ये कहना चाहते हो, ठीक है बेटा। प्रैक्टिस से ही कुछ बात बनेगी, कीप ऑन वर्किंग वेरी हार्ड, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।